आज हम देखो पौधों को पानी पिलाएंगे। बाल्टी भरी हमने, उसमें छोटे छोटे गिलास लिए, जिससे हम थोड़ा थोड़ा पानी पौधों को पिलाएंगे। हम पौधों को पानी पिलाएंगे तो पौधे भी हरे भरे होंगे, अगर पानी नहीं पिलाएंगे तो पौधे भी मुरझा जाएंगे। इसलिए पौधों को पानी भी, हमारे तरफ पानी भी पिलाना चाहिए। जैसे हमें भी पानी प्यास लगती है ना, तो वैसे इनको भी प्यास लगती है। तो इन ये पानी पीते तो पौधे भी बड़े होते हैं, फल फूल सब खिलते हैं इससे। इसलिए हमें पानी पिलाना चाहिए, पर थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना चाहिए, है ना। देखो हाँ भैया, अगर हम इन पौधों को पानी भी पिलाएंगे तो ये धीरे धीरे जैसे बड़े होंगे, इसके ऊपर फूल भी खिलते हैं, जिसके ऊपर रंग बिरंगी तितलियाँ भी आती है, और उन फूलों से हम पूजा घर में भी पूजा भी कर सकते हैं। और इन पौधों से हमें प्राणवायु मिलती है, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। और हमारे अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो ये पौधे ग्रहण करते हैं। इससे में हमारे घर का वातावरण भी अच्छा शुद्ध रहता है, और हमको इससे हमें पौधों से, जैसे तुलसी का पौधा होगा तो तुलसी का पौधा होगा तो हम तुलसी के पौधों से क्या पत्तियां निकलेगी हरी भरी, तो हम उसको पूजा घर में रहते हैं। एक तुलसी का पत्ता रोज खाना चाहिए, जिसके आपके अंदर की जो है ना गला साफ रहेगा, सर्दी खांसी में भी वो फायदा करते हैं। इस तरीके से हम छोटे छोटे फूल होते हैं, कुछ फूल की पत्तियाँ ऐसी होती हैं जिसे हमको माला बना के अगर भगवान के चढ़ाएंगे ना, तो वो माला भी सुंदर लगती है। जैसे उन फूलों का फोटो क्या होता है, वो फूलों वाला गमला बहुत सुंदर लगेगा, जिससे आपको भी क्या लगेगा, घर के अंदर बगीचे जैसा अनुभव होगा। देखो अब हम इनको पानी पिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा देना भैया, ताकि इनको नुकसान न पहुंचे, और साइड की तरफ से देना। पेड़ बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। हाँ, कुछ